जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड एंड वकास। वर्ल्ड एंड वकास के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको लेके जा रहा हूं कालाबाग डैम। और कालाबाग डैम वो नाम है जिससे पाकिस्तान का बचा बचा वाकिफ है। ये नाम असल में पाकिस्तान के अंदर मजवजा पानी के सबसे बड़े ज़खीरे कालाबाग डैम के हवाले से मशहूर है, जो कि अभी तक सियासी चपकलश और कश्मकश की वजह से बनने से कासिर रहा है। आज की इस विज़िट में मेरे साथ हैं जनाब सरदार जहांगीर शरीफ डोगर, जो कि साबिक कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब के, जनाब तैमूर गुजर जो कि दिन न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जनाब सरदार अली जावेद जो कि साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं PTI ज़िला कसूर के, और जनाब सरदार ज़ुल्करनैन जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में पंजाब के, और जनाब गफ्फार डोगर साहब जो कि कस्टम्स ऑफिसर हैं कराची में। तो इन दोस्तों पर मुश्तमिल ये काफ़िला जो है वो शाम के 4 बजे लाहौर से निकला, और हम अगले दिन सुबह 4 बजे एक लंबे रूट को इख्तियार करने की वजह से उस मशहूर जो है वो आयरन ब्रिज पे पहुँचे, जो कि कालाबाग के हवाले से इस इलाके की पहचान है। और निकल गया जी माशाल्लाह, इस तो ज्यादा पहुंच के ना जी, हां जी, थकावट अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई है। जितना बेहतरीन और जितना कमाल का ये साइट है, वाह जी क्या बात है जी, बड़ा जबरदस्त मजा आया जनाब। जंगल में मंगल, अनएक्सपेक्टेड और अनबिलीवेबल, कोई शक, अमेजिंग सर, अमेजिंग। और ये पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी का रेस्ट हाउस है, और तमाम दोस्त जो हैं वो यहाँ पे दरिया सिंध के किनारे जो हैं वो खड़े कश्ती। तो अभी तो जो है वो हम क्योंकि सफ़र की थकावट में और थोड़ी देर अब हम रेस्ट करेंगे, और उसके बाद सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद आपको ये भरा हुआ दरिया सिंध दिखाते हैं। कालाबाग पाकिस्तान के सूबह पंजाब के ज़िला मियांवाली में एक कस्बा और यूनियन कौंसिल है। ये दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ तहसील ईसा खेल का हिस्सा है, जो कालाबाग डैम का मुजवजा मुकाम भी है। इसकी वजह शोहरत सिलसिला कोहे नमक और सुर्ख पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पहाड़ों के दरमियान से दरिया सिंध के बहाव का कुदरती नज़ारा भी काबिल दीद है। कालाबाग डैम की तमीर के मंसूबे के पेश होते ही पाकिस्तान के चारों सूबों खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को तलखी का सामना करना पड़ा। इस मंसूबा की तमीर के हक़ में सिर्फ सूबा पंजाब है, जो तमाम चारों सूबों में सियासी और माशी लिहाज से इंतहाई मुस्तहकम है। मरकज़ी हुकूमत की तशकील भी आमतौर पर सूबा पंजाब की सियासत के गिर्द घूमती है। पंजाब के अलावा दूसरे सूबों ने इस मंसूबा की तमीर के ख़िलाफ़ अपनी सूबाई असम्बलियों में मुत्तफ़िका क़रारदादें मंजूर की और सख्त तहफ़ुज़ात का इजहार किया। तब से ही ये मंसूबा खटाई में पड़ा रहा और इस पर कोई भी तामीरी काम मुमकिन ना हो सका। सूबा सिंध, जिसने कालाबाग मंसूबे की सबसे पहले मुखालफत की, इस मंसूबे से मुतासर होने वाला अहम फरीक है। गो सूबा सिंध इस मंसूबे की कट्टर मुखालफत करता है, लेकिन इसका नुक्ता नज़र पंजाब के हाथों पानी की चोरी के नज़रिए पे कायम है। इस नज़रिए की इंतहाई हमायत सूबा सिंध में देखने में आती है, लेकिन किसी भी तरह से इस चोरी को साबित नहीं किया जा सका। सूबा सिंध दरअसल तारीखी लिहाज से दरिया सिंध पर अपना हक तस्लीम करता है, और अवामी राय में दरिया सिंध पर सूबे का हक तारीख और इसके नाम से आया है। तरबेला डैम और मंगला डैम की तमीर को सूबा सिंध दरअसल पंजाब के हाथों पानी की चोरी का नुक्ता समझते हुए अब कालाबाग डैम की तमीर की इजाज़त देने से इनकार करता आया है, जिसकी कीमत सिंध की जरी ज़मीन की तबाही की सूरत में अदा करनी पड़ी है। इस कलीदी नुक्ता के अलावा सूबा सिंध इस मंसूबे की मुखालफत में और भी बहुत से नुकात पेश करता है। इस वक्त जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये नवाब ऑफ कालाबाग का बंगला है, और ये बहुत बड़ा दरख्त जो है जो आप देख रहे हैं, ये बोहड़ का दरख्त है जो तकरीबन 400 साल पुराना है। और सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ आयरन ब्रिज है, जो दरिया सिंध के बीचों बीच अपने कदम जमाए हुए है।
यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की स्पीड बोट्स और जो लोकल बोट्स हैं जिन्हें बेड़ा कहा जाता है यहाँ पे मौजूद हैं और वो सयाहों को कालाबाग डैम साइट का नज़ारा कराती हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि डैम में पानी का ज़खीरा खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि बिजली पैदा करने वाली टर्बाइनें पंजाब में लगाई जाएंगी। इसलिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा ये समझता है कि उसे इसकी रॉयल्टी नहीं मिलेगी, हालांकि पंजाब ने इसकी रॉयल्टी से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया है, लेकिन फिर भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा एतराज़ ज़िला नौशहरा का बड़ा हिस्सा और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कालाबाग डैम की तमीर के दौरान इसके ज़ेर आब आने और रेत जमा होने से एक बड़े इलाके के बंजर होने का है, और इस वजह से सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस इलाके में डैम की तमीर का सख्त मुखालिफ है। सूबा बलोचिस्तान की अगर बात करें तो बराह रास्त तो कालाबाग डैम से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से यकजहती के इजहार के तौर पे वो भी कालाबाग डैम की सख्ती से मुखालफत करता है, और बलोचिस्तान की सूबाई असम्बली ने भी कई बार कालाबाग डैम की तमीर के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर की हैं जिसकी वजह से ये डैम अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। कालाबाग डैम अपने तीन जानिब से सुर्ख रंग के पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे कुदरती डैम भी कहा जाता है, जहां पे सिर्फ एक जानिब बंद बनाने से ये एक मुकम्मल डैम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन हमने यहां पे देखा कि यहां पे जो सुर्ख पहाड़ हैं वहाँ पे पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से नमक जो है उसकी कानकनी का अमल भी जारी है, और यहाँ पे बहुत सी गारें आपको नज़र आएंगी जहाँ से नमक निकाला जाता है, और ये नमक फिर कश्तियों के ज़रिए दरिया के दूसरे किनारे पे मुंतकिल करने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहा जाता है कि काला जो है वो पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है, और काला का पश्तो में मतलब होता है गाँव, और कालाबाग का मतलब हुआ बाग गांव। इसी तरह से जो करीबी कस्बात हैं, जब आप कालाबाग डैम के अंदर दराए सिंध पे कश्ती पे सफ़र करते हैं तो आपको और भी बहुत से देहात नज़र आते हैं, और इनके मुख्तलिफ नाम हैं जैसे कि जो है वो कोट काला जिसका मतलब है किला गांव, इसी तरह से सराय काला इसका मतलब है सराय गांव, इसी तरह एक और गांव आपको नज़र आता है समुंदर खान काला, इसे कहते हैं समुंदर खान का गांव। तो कालाबाग को कालाबाग जो है वो दरअसल पश्तो ज़ुबान से लफ्ज़ काला गांव की मुनासबत से कहा जाता है। पाकिस्तान के क़याम के बाद नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद ख़ान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे, इसी वजह से एक मुहावरा भी बन गया, जब कोई शख्स गरूर का मुजाहरा करता है तो कहने वाला उसे कहता है क्या तुम कोई नवाब ऑफ कालाबाग हो। तो हमने जनाब ये सफ़र मुकम्मल किया, आपको हमने आज कालाबाग डैम विज़िट कराया, ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। आप सब से हम यहाँ से इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।